उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो अभी आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि मोतियाबिंद होता है जो सबसे ज्यादा कॉमन है और जो सबसे बड़ा रीजन है आँखों कमी दिसत आहे थोडं, त्यामुळे आता ऑपरेशन सांगितलेलं आहे मॅडम। कोणत्या गावाने आले तुम्ही? आम्ही गाड जळगाव तालुका जिल्हा औरंगाबाद। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। मैं डॉक्टर अमरीन देशमुख, मैं डॉक्टर अमरीन आई केयर सेंटर आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे कंसल्टिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि आपने पूछा आँखों की बीमारियों का, सबसे बेसिक जब पेशेंट को पता चलता है कि उनको जब कम नज़र आ रहा है या फिर बच्चों में ऐसा होता है कि सर दर्द हो रहा है या फिर बच्चा ज़्यादा नज़दीक चीज़ें लेकर देख रहा है, ऐसे टाइम में पेरेंट्स उनके हम हमारे पास लेके आते हैं। और कभी कभी बुज़ुर्ग लोग जो है वो वही लेके आते हैं कि हमको बहुत कम दिख रहा है, आसपास जो लोग हैं उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जैसे कि मोतियाबिंद होता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जो सबसे बड़ा रीज़न है आँखों की रोशनी जाने का। पूरे इंडिया में भी हम लोग देखा जाता है कि मोतियाबिंद की वजह से बहुत सारे लोग अपने नज़र या अपने आँखों की रोशनी खो देते हैं, अगर सही वक्त पे उन्होंने उसको ऑपरेशन वगैरह नहीं किया तो। और पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से जो हॉस्पिटल्स काफ़ी कम बंद थे या फिर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आँखों के ऑपरेशंस भी कम हो गए थे, इसलिए इसकी जो ज़्यादा नंबर जो है वो बहुत बढ़ चुका है। और दूसरी एक चीज़ है कि बच्चों में जो नज़र के प्रॉब्लम्स है वो भी इन 2 सालों में बढ़ गए हैं, क्योंकि मोबाइल का उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया था। तो बच्चे हमारे पास अभी बहुत आ रहे हैं कि नज़र कम हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, स्कूल शुरू होने के बाद उनको कम दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से उनको चश्मा लग रहा है। मैम अभी आजकल ऑनलाइन है और कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है और आपने बताया कि बच्चे भी ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए क्या खान पान इस्तेमाल करना चाहिए? जी बच्चों की आँखों की जो केयर होती है उसके लिए बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि बच्चे ज़्यादा नज़दीक का काम कम करें, जैसे कि रोज़ 2-3 घंटे बाहर खेलने के लिए भेजना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अभी आजकल 2-3 सालों से भी कम हो गया और वैसे भी उसका एक ट्रेंड कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर में ही रह रहे, बच्चे भी मोबाइल देख रहे, टीवी ज़्यादा देख रहे या डिजिटल मीडिया में ज़्यादा बच्चे जा रहे, तो जो स्पोर्ट्स जो है ग्राउंड पे खेलना ये बहुत ज़रूरी है। फिर विटामिन ए जिसमें मिलता है, ऐसी जो खाने की चीज़ें होती है जैसे पीले कलर की और ऑरेंज कलर की जो सब्जियां होती है, जैसे कि गाजर हो गया, आम का सीज़न है तो आम खिला सकते हैं, पालक की सब्ज़ी, इन सब में आपको विटामिन ए अच्छे से मिलता है जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैम अभी ज़्यादातर लड़कियों को भी चश्मे लग रहे हैं या छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है जॉब में सर्विस का। जी यही है कि आपका जो एक नेचुरली जब लगना है चश्मा, अगर जैसे कि हम एक स्कूल मायोपिया बोलते हैं जो कि एक स्कूल एज में बच्चों को शुरू होता है, वो थोड़े सालों के बाद नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर एक उम्र के बाद वो स्टेबल हो जाता है, पर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन तो नहीं ले सकते हैं। जो भी है आपको चश्मा अगर आपको लगता है तो आपको पहनना ज़रूरी होता है, और अगर नहीं पहनते हैं तो आँखें तिरछी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आँखों की बीमारियों में खास एक बीमारी होती है मोतियाबिंद की, जी तो मोतियाबिंद की बीमारी कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है, मैं उस बारे में? जी बेसिकली मोतियाबिंद एक, जैसे कि समझ लीजिए उम्र जैसी होती है, तो अपने बॉडी में एक लेंस होता है जो कुदरती एक लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब उसमें से लाइट अच्छे से पास हो जाती है, जैसे अपने कांच होती है चश्मे की उस तरीके का। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वो कांच में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है, उसी को बोलते हैं कि मोतिया, मोती मतलब सफ़ेद कलर जैसा, तो मोतियाबिंद मतलब ऐसे वाइट कलर का वो लेंस अपना जो रहता है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये उम्र के साथ होता है, दूसरी चीज़ अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उनको थोड़ा जल्दी हो जाता है, या फिर कोई मेडिसिंस रहती है जो दवाइयाँ कुछ सालों साल कोई पेशेंट खाते हैं उनको भी कभी मोतियाबिंद जल्दी होता है, दूसरी बीमारी अगर है तो उसमें भी मोतियाबिंद जल्दी जल्दी बढ़ता है। और जी मैम लेंस जो लगाते हैं
तो बहुत से लोग डरते हैं कि लेंस लगाने से थोड़ा तकलीफ होगी और कुछ और बीमारी वगैरह तो ना हो जाए, तो लेंस के बारे में क्या बोलते हैं? लेंस मीन्स कॉन्टैक्ट लेंस या फिर कॉन्टैक्ट लेंस। जी, कॉन्टैक्ट लेंस का एक ये है कि जिनको बहुत बड़ा नंबर है, जो चश्मे से बहुत परेशान हो जाते हैं कि भाई बहुत मोटा चश्मा है जो पहनने में मुश्किल जाती है, तो कॉन्टैक्ट लेंस डेफिनेटली पहन सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी उम्र अच्छी चाहिए, बहुत छोटे बच्चों को वगैरह हम प्रेफरेबली अवॉइड करते क्योंकि वो उसकी केयर नहीं ले सकते, लेकिन जो लोग एडल्ट है मतलब 17-18 साल की उम्र के ऊपर है, लड़के हैं लड़कियाँ हैं कॉलेज वाले, जो वो पहन सकते हैं। बहुत रोज़ रोज़ पहनने से अच्छा ज़्यादा मेरे हिसाब से ये रहता है कि जो ओकेजनल वेयर लेंस रहते हैं, अगर आप चश्मे से एडजस्टेड है तो आप बीच बीच के जब आपको कोई कहीं जाना है ऐसे जगह आप पहन सकते हो। और जिनको बहुत मोटा नंबर है, जिनको बिल्कुल चश्मा पहनना पॉसिबल नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको नज़र की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से। मैम आपके ओपीडी का टाइम क्या है, कोई आपसे मिलना चाहते हैं जी पेशेंट वगैरह जी उस बारे में? हमारा डॉक्टर अमरीन्स आई केयर सेंटर आइकॉन हॉस्पिटल में हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे ओपीडी टाइमिंग मंडे और फ्राइडे के दिन, पीर और जुम्मा के दिन 5:30 से 7:30 है, और बाकी वीकडेज में 10 बजे से शाम के 6 बजे तक चालू रहता है। आपके हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस बता दीजिए। जी, आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रोज पार्क, पाकिजा फंक्शन हॉल। तुम्हाला त्रास होत होता डोळ्यासाठी, इथे पडदा आला झाला काय सांगितलं मॅडमने तुम्हाला तिकडे का? इथं मॅडमने काय सांगितलं तुम्हाला? मॅडम काय नाही, होऊन जाईल होऊन जाईल। कोणत्या गावावर आले तुम्ही? आम्ही कुणाल जळगावून, जळगाव गाडी जळगाव। तुमच्या वडिलांना तुम्ही त्या घेऊन आले? आजोबा। आजोबाला? हां। तर मॅडमने काय म्हणले तुम्हाला? मॅडमने आता चेक केलेले आहे त्यांचे डोळे आणि त्यांनी ऑपरेशन सांगितले पडद्याचं। किती वर्षापासून त्यांना त्रास होत होता? त्यांना एक आता 4-5 महिन्यापासून जास्त त्रास व्हायला। काय त्रास होतो? त्यांना तर कमी दिसतंय थोडं, त्यामुळं आता ऑपरेशन सांगितलेलं आहे मॅडम। कोणत्या गावाने आले तुम्ही? आम्ही गाड जळगाव तालुका जिल्हा औरंगाबाद। ऑपरेशन कधी? आता शुगर मेंटेन झाल्याशिवाय ऑपरेशन केलं जात नाही, त्याच्यामुळं पहिला रिपोर्ट शुगरचा आणि त्याच्यानंतर पडदा आणि नंतर 10-12 दिवसाला डोळ्याचं मोतीबिंदूस। किती वर्षापासून त्यांना शुगर वगैरे आहे? शुगर त्यांना 1-6 महिन्यापूर्वीपासून आहे, बीपी 1-2 वर्षापासून। त्रास किती वर्षापासून होतो त्यांना डोळ्याचा? आता ज्याचं ऑपरेशन करायचं त्याचं 4-5 महिन्यापासून त्रास आहे। 4 महिने कमी झाला। नाव काय तुमचं पूर्ण? तुळशीराम दादासाहेब कोरोडे।